आप कब आए? वो हमारा प्लान जरा जल्दी बन गया। ओ, सर को पता है? वो तो काम से बाहर गए हुए। दरअसल उन्हें पता नहीं है, सूरज का प्लान था कि हम पापा को सरप्राइज देंगे। अच्छा अंकल, आप भी उन्हें कॉल वॉल मत करना, बताना मत उन्हें, अचानक से हमें देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा। बेटा जाओ आप। ओके। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। थैंक यू सो मच, आपने इनका इतने अच्छे से ख्याल रखा जब हम लोग नहीं थे। अच्छा वो आज चतुरी नहीं आई? मैं अभी देखता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसा क्या देखा? एक लड़की को एक आदमी ने चाकू से अटैक किया। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैंने खुद देखा। मैं देख क्या दूं? अरे नहीं सूरज, मैं नहीं जा सकती। मैं देख क्या? सूरज, सूरज वहां जाना खतरनाक है। सूरज, भैया भैया जल्दी चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। क्या हो बाबा, कहाँ चलना है? वो मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग में बी ब्लॉक 5th फ्लोर, वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जल्दी दौड़ मेरे साथ। बाबा हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? एक मिनट, वो बी विंग में 5वें माले पे उस फ्लैट की बात कर रहे हो क्या? हाँ बाबा, वो तो काफी समय से बंद पड़ा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, वहाँ कौन हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, मेरी मम्मा ने वहाँ कुछ बहुत बुरा होते हुए देखा है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। चलो चलिए चलिए जल्दी चलिए मेरे साथ, चलिए आप आइए आइए, ये आइए। एक सेकंड, कैसी बू है? बाबा ये फ्लैट कई महीनों से बंद पड़ा है, चूहा हुआ मर गया होगा, उसी की बदबू है ये। तुम्हारी गलतफहमी हुआ, यहाँ कोई नहीं रहता। हेलो। हाँ मम्मा। सूरज तुम कहाँ हो? अरे मम्मा मैं उस फ्लैट में हूँ। सूरज वहाँ कोई देखा? यहाँ कोई नहीं है। मना किया था ना तुझे वहाँ जाने से, क्यों गया? अभी क्या भी घर आओ। अरे मम्मा वो मैं ऐसे ही आ गया था। सूरज अभी इसी वक्त घर वापस आओ। ओके मम्मा। मम्मा मैं वो फ्लैट में गया, पर वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हो।
गार्ड से पूछने पे बस इतना पता चला कि वो फ्लैट बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इसलिए वहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी बस। नहीं बेटा, मैंने खुद देखा है, वो आदमी उस औरत को बहुत बुरी तरह मार रहा था। मम्मा ये आपका वहम है, वो फ्लैट तो इतनी दिनों से बंद पड़ा है। और क्या, चलो ना मम्मा, बहुत भूख लगी है, चलो ना। बेटा पर मम्मा बहुत भूख लगी है, चलो ना। एक तो ये चतुरी भी आज नहीं आई है, चलो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। चलो मम्मा। नहीं बेटा है, एक 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 डरावनी सी औरत। मम्मा आपने बुरा सपना देखा होगा, वहाँ कोई नहीं है। नहीं सूरज, कोई सपना नहीं देखा वहाँ। वहाँ मम्मा रिलैक्स, कोई नहीं है वहाँ पे। मम्मा मैं हूँ ना आपके साथ। एक काम करते हैं, आज रात में इधर ही सो जाता हूँ, ओके? और ये भी हो सकता है शायद से दवाइयों का असर हो। स्लीप 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 स्लीप। क्या करूं? अब चतुरी किधर है? वो आज काम पर आई है। क्या मालूम साहब, कल तो दिखी थी, आज तो मिली नहीं। और वैसे भी ना चतुरी का कुछ भरोसा ही नहीं, कहाँ जाती है, क्या करती है। गार्ड जरा रजिस्टर में देखो, चतुरी आई है क्या? उसकी एंट्री होगी ना? जी साहब। साहब इसमें एंट्री तो है कल की, लेकिन उसका आउट टाइम नहीं है। आउट टाइम नहीं है? Switched off. ये राहुल का फोन क्यों नहीं लग रहा? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने साल हो गए इस घर में, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भारीपन, राहुल को फोन लगाती हूँ, उसे बोलती हूँ कि मेरा राहुल से कैसे भी कांटेक्ट करवाए। भरत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा लिसन, ये राहुल का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? इट्स कमिंग स्विच्ड ऑफ। क्या सर का फोन लग नहीं रहा है? बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज किसी भी तरह से मेरा उनसे कांटेक्ट करवाइए। डोंट वरी मैम, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। या थैंक यू। हेलो प्रिया। डॉक्टर आप कैसी हो और पैर कैसा है? अभी चलने की कोशिश कर रही हो? ऑनेस्टली नहीं, पर
डॉक्टर आपको कैसे पता चला कि हम आ गए हैं? वो कल सूरज ने आपके हस्बैंड के पीए के थ्रू मुझे मैसेज ड्रॉप करवाया था। आपका फिजियो इमीडिएटली स्टार्ट करना है, ओके? तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो ना? जी। क्या हुआ प्रिया, तबीयत ठीक नहीं है या जेट लैग हुआ है? शायद जेट लैग। देखो प्रिया, ये फिजियो के फुल इफेक्ट के लिए तुम्हारा बॉडी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आप गर्म पानी से नहा लीजिए, यू विल फील बेटर। उससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। Hmm.